यूपी में बजट पेश होने के बाद अखिलेश यादव उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खींच रहे हो तो हो सकता है आपके चेहरे तक पहुंच जाए, ये हालत है सरकार में। और फिर नमामि गंगा में मां गंगा को बुलाया था या मां गंगा ने बुलाया, अब फिर मां गंगा पुकार रही है, यमुना पुकार रही है, काली नदी पुकार रही है, हिंडन नदी पुकार रही है, कोई जाएगा उनकी सुनवाई करने के लिए? और फिर गन्ना किसान बर्बाद हो गया, जो जो वादे किए थे एक्सपेंशन के कि मिल्स को हम एक्सपेंड करेंगे, कितनी मिल्स एक्सपेंशन पे चली गई या कितना को जनरेशन हो गया? आप मिल्स का और किसानों की क्या रेट बढ़ाई है आपने? पता नहीं सरकार किस दिशा में जा रही है। और वित्त मंत्री जी मेडिकल कॉलेज के बारे में हर बार बोलते हैं। आप पत्रकार साथी, मुख्यमंत्री जी तो हो सके जवाब दें न दें, जाने न जाने वो अलग बात है। सबसे पहला मेडिकल कॉलेज जो आज के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी, उनके साथ मैंने मिलकर के पहला शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज खुलवाया था। केवल ये बता दें कि उस मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी पूरी है कि नहीं है। जब मेडिकल कॉलेज की फैकल्टीज पूरी नहीं होंगी, जो टेक्निकल स्टाफ है वो पूरा नहीं होगा, जो मशीनें चलाने के लिए स्टाफ नहीं पूरा होगा, तो मेडिकल कॉलेज केवल बिल्डिंग बनाने से मेडिकल कॉलेज नहीं चलेगा। और देखिए आप इनकी चतुराई या चमत्कारी, जब सरकार नहीं चला पा रही है मेडिकल कॉलेजेस तो कह रही हम पीपीपी पे मेडिकल कॉलेज चलाएंगे। अगर पीपीपी पे मेडिकल कॉलेज आएंगे तो इनकी नियत साफ हो गई है, ये गरीब को इलाज नहीं देना चाहते हैं। और गरीब को अगर इलाज देना चाहते होते तो आपके लोहिया में अस्पताल में जो नेताजी ने कभी एक रुपए का पर्चा किया था सरकारी, ये कीमत नहीं बढ़ाते। इन्होंने कीमत बढ़ा करके इशारा कर दिया है कि सरकारी अस्पताल में गरीब का इलाज नहीं हो सकता। एक महिला और न जाने कितनी खबरें हर दिन अखबार में छपती हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन अखबार में तस्वीर या खबर न छपती हो कि इस व्यक्ति को इलाज नहीं मिल पाया। और लखनऊ जैसी राजधानी में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको समय पे इलाज नहीं मिल पाता है, उनकी जान चली जाती है। क्या दिया आपने मेडिकल कॉलेजेस के लिए? पीपीपी के रास्ते पे जा रहे हैं। ये जो समाजवादियों की सरकार में बनाए हुए मेडिकल कॉलेज थे उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। क्या इकाना से बेहतर एक स्टेडियम ये लोग बना पाए कहीं? और आपने तो मुख्यमंत्री जी को क्रिकेट खेलते देखा था, बल्ला कहां घुमा रहे थे, बॉल कहां से आ रही थी? जो मुख्यमंत्री बल्ला घुमा रहे हो, क्रिकेट न खेल पाते हो, क्या उनसे उम्मीद करोगे कि खेल यूनिवर्सिटी बनाएंगे? और फिर खेल का पहनावा अलग है, ऐसे नहीं खेल पाओगे क्रिकेट। आप स्टेडियम में बताइए, इतना शानदार स्टेडियम बनाइए, 6 साल हो गए, 7वां बजट आ रहा है, क्या एक स्टेडियम ये बना पाए हैं नया? और फिर क्या ना मेट्रो बनाएंगे। अरे भाई मेट्रो कोई खिलौना है जो ले आओगे बाजार से? जितनी मेट्रो आज उत्तर प्रदेश में बन रही है, लखनऊ की मेट्रो, कानपुर की मेट्रो, आगरा की मेट्रो, ये सब समाजवादियों की देन है। बिना समाजवादियों के फैसले के ये मेट्रो शायद जमीन पर नहीं उतरती। और जो फैसला समाजवादी सरकार में लिया गया था बनारस के लिए मेट्रो, इन्होंने उस प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया, उस प्रपोजल को वापस ले लिया। और देखिए आज भी बनारस में मेट्रो नहीं बना पाए। हर बजट में कभी 50 करोड़, कभी 100 करोड़, आप इनके पिछले 6 बजट उठा लीजिए, हर बार गोरखपुर के मेट्रो के लिए पैसा दिया है, बनारस के लिए पैसा दिया है और झांसी वालों के लिए पैसा दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था मेट्रो कैसे बनती है। अगर इन्हें पता होता मेट्रो कैसे बनती है तो आपके लखनऊ की मेट्रो आगे चली गई होती, जितनी समाजवादी लोग बनाए थे वहीं से वापस आ जाती है। कानपुर में भी जितना समाजवादियों ने सेंक्शन किया था वही लाइन बनी है, आगरा में वही लाइन बनी है जो समाजवादियों ने सेंक्शन की थी। एक इंच नहीं बढ़ा पाई है। और फिर क्यों बढ़ाती है? ये गोरखपुर लिंक नहीं बना पाए, बताओ अपना। ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था, क्या गोरखपुर लिंक बना लिया इन्होंने? बजट में फिर पैसा लाए। अगर गोरखपुर लिंक बना रहे हैं तो अयोध्या लिंक क्यों नहीं बन रहा है, या वाराणसी का लिंक क्यों नहीं बन रहा है? और जितना समाजवादी सरकार में अलाइनमेंट था और जिस किलोमीटर तक समाजवादी सरकार में बनाया गया था उससे आगे नहीं ले जा पाए हैं।
हैदरिया और पखनपुरा गांव है उससे एक इंच ये एक्सप्रेस वे नहीं आ पाए और उसका परिणाम ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस घाटे में है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे लोग इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उद्घाटन करते ही वो ढह गया और ढह गया तो इतनी छवि खराब हो गई, कोई चलना नहीं चाहता है, जो चलता है वो एक्सीडेंट हो जाता है और आज भी काम पूरा नहीं हो पाया है। और जो इंसेंटिव देना चाहिए था ठेकेदार, क्योंकि सरकार के क्लोज ठेकेदार थे, सरकार के मित्र ठेकेदार थे, तो उन्होंने उनका इंसेंटिव दे दिया